मित्रों, चाहे आप चिंता करो या ना करो, दिन तो ऐसे ही बीतने वाला है। दिन को आप नहीं रोक सकते। आप अपना चिंता बचा लेते अगर आपके भीतर समझ पैदा होती तो। जब बिना चिंता किए दिन गुजर सकता है तो हम चिंता में दिन को क्यों गुजरना जाने देते। और चिंता जो दूसरों के कारण है, अपने कारण भी नहीं। हमारी जो चिंता होती है वो दूसरों के कारण होती है। हमको कोई दूसरे लोग याद आ जाते हैं और हम चिंतित हो जाते हैं। हम दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम अकेले हैं, तो हमको अकेले कोई चिंता हो नहीं सकती। जैसे आप अकेले बैठे हो, शांत हो, कोई आ गया और आपको गाली दे गया और आप चिंतित हो गए। जब तक आप अकेले बैठे थे चिंता नहीं था, कोई आ गया और गाली दे गया और उसने चिंता उठा लिया। तो हमारी चिंता हमारी अपनी नहीं, दूसरों के द्वारा डाली हुई प्रेषित है। तो हम दिन को इस तरह गुजरने देते हैं। हम बिना चिंता किए भी जी सकते थे और हमने वो भी दूसरों के कारण दिन को चिंता में गुजरने दिया। और चिंता करके कुछ हम बदल भी नहीं सकते। चिंता से कुछ होता नहीं, केवल चिंता ही होता है। आप जितना भी चिंता कर लो, आप जो होगा उसको बदल नहीं सकते। आप परेशान होकर समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो लोग कहते हैं कि अपने बारे में चिंतित होना चाहिए, भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए, परिवार के बारे में चिंतित होना चाहिए, मगर आप चिंतित होकर कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। जैसा होगा ऐसा ही होगा। अगर चिंता करके जीवन बदल सकता तो जो भी चिंतित लोग होते हैं सभी के जीवन बदल गए होते हैं। मगर यहाँ तो जो चिंतित ज़्यादा होता है वो उतना पागलपन का शिकार होता है, उतना नीचे गिरता जाता है, उतना कमज़ोर होता जाता है, जीवन की ऊर्जाओं को गंवा देता है। मगर चिंता का कारण ये है कि हमको ये लगता है कि हम चिंता करके कुछ बदल सकते हैं जीवन को, इसलिए तो हम चिंता करते हैं ना। जैसे कुछ बुरा हो गया या हो सकता है तो हम उसके बारे में चिंता करेंगे। हमको ये लगेगा कि चिंता करेंगे तो वो बुरा से हम बच जाएंगे, वो बुरा हमारे जीवन में नहीं होगा। मगर जो भी आपको बुरा हो सकता है या होगा वो आप चिंता ना करो तो भी ही वो होगा। और जिसको आप बुरा कहते हैं वो बुरा भी नहीं होता, हमारी वो व्याख्या होती है। जैसे आपके किसी आफंत की मृत्यु होने वाली है तो उसके बारे में जब आप सोचेंगे आप चिंतित हो जाएंगे, क्योंकि मृत्यु होने वाली है। मगर यह हमारी व्याख्या है, मृत्यु होकर अच्छा हो रहा हो सकता है और अच्छा ही हो रहा होता है। क्योंकि जीवन में अगर मृत्यु ना हो तो जीवन में कोई आनंद भी नहीं होता, जीवन का कोई अर्थ भी नहीं होता। और कोई नहीं मरेगा तो कोई पैदा भी नहीं हो सकता। किसी दूसरे को पैदा होने के लिए किसी एक को मरना पड़ता, तो हम भी इसलिए यहाँ हैं ताकि कोई और मर गए थे। तो जीवन में कितनी भी बुराई हो, असफलता हो, कोई भी बात ऐसी होती नहीं जिससे हमको चिंता लेना पड़ सकता। तो पहले तो व्याख्या बात करेगी हमारे, हम उसको कहेंगे तत्काल ही बुरा है, नहीं होना चाहिए। असफलता को हम नहीं चाहेंगे, परेशानी को हम नहीं चाहेंगे, निराशा हम चाहेंगे नहीं, धोखा हम नहीं चाहेंगे, गरीबी हम चाहेंगे नहीं। तो जहां हम नहीं चाहेंगे वहां चिंता शुरू होगा। आप उसको कैसे प्राप्त कर लें, वही तो चिंता है ना। आप चिंतित हो रहे हो, सोच रहे हो, सोचमग्न हो गए हो कि कैसे बदल दे, मगर आप बदल नहीं सकते। आप कुछ भी करो, आपने अभी तक कितने किए हैं, क्या कुछ बदल के आया है, और आप क्या बदल सकेंगे जो सागर में उड़ती लहरों में एक लहर के रूप में पैदा हो गए, आप विलीन हो जाएंगे। हमारी क्या शक्ति है कि हम जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि हम जीवन का एक हिस्सा है, जीवन का एक बूंद है। जीवन है विराट सागर, एक बूंद सागर को, सागर के नियमों को बदल नहीं सकती, मगर बदलने के प्रयास में वह हारती जाएगी और चिंतित होती जाएगी। तो हमारी यही चिंता है।
तो जीवन देखने का ढंग ही हमको चिंता से बाहर ला सकता है। खुली आँख से जीवन को देखना है। जीवन में जो भी है सब आवश्यक है, कोई बुरा होता नहीं, कोई अच्छा भी नहीं होता, ऐसे है, फैक्ट है। और उन बातों से हमको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं और बदलने का कोई इरादा भी नहीं रखना। आप बदलना नहीं चाहेंगे किसी भी चीज़ को, आप स्वीकार कर लेंगे जैसे हो, जो हो। आप अज्ञानी हो तो अज्ञानी हो, दुखी हो तो दुखी हो, कोई बात नहीं। और हम ही अकेले दुखी नहीं हुए, सारा संसार दुख से भरा पड़ा है। हम ही समस्याओं में नहीं है, कितने लोग हैं जो समस्याग्रस्त है और कहाँ कहाँ तक की परेशानी और समस्याओं से लोग गुजर रहे हैं। तो इस बात को जनरलाइज करना चाहिए और अपने को केंद्र में रख के नहीं सोचना चाहिए। आप ही नहीं हो जो चिंतित हो, जो दुखी हो, जो अभाव में हो। सभी लोग अभाव में, सभी लोग चिंता में। तो आपके अपने जो चिंता है वो अब छोटी हो जाएगी, क्योंकि आपने अब इसको जनरलाइज कर लिया। अपने अहंकार को बढ़ाना है, अपने दुख को बढ़ाना है, तो इस तरह सोचना चाहिए कि मुझे क्यों हुआ, मुझे ही क्यों हुआ। और चिंता से बाहर आने की व्याख्या ये है कि जीवन में दुख है, चिंता है, और ये सभी को है, मुझे ही नहीं है। और दूसरे लोगों से तो मेरे पास कम ही चिंता है, कम ही तनाव है, तो इसी कारण आनंद हो सकता हूँ मैं अगर चाहता हूँ तो। तो बदलने की जो इच्छा है वही हमको चिंता में ले जाती है, स्वीकार हमको चिंता से बाहर लेता है। आपको शांति नहीं हो रही है तो शांति क्यों नहीं हो रही है, इस बात के चिंता से, इसकी चिंता से आप चिंतित नहीं होना। अगर इस चिंता में आप पड़ जाएंगे तो आपको कभी शांत हो नहीं पाएंगे, चिंता ही आपके हाथ में बचेगी। इसलिए जो लोग शांत होने की प्रक्रिया में चलते हैं वो ज़्यादा अशांत हो जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर चिंता पैदा हो जाती है, क्योंकि उनको बदलना है ना, उनको ये करना है, जो अशांति है उसके भीतर उसको बदल के शांति लेकर आना है, और एक बहुत बड़ी बात है। और इससे बड़ी चिंता पैदा होगी, क्योंकि इतना बड़ा काम अशांति और तनाव को निकाल के आनंद और शांति को लेकर आना, नर्क को हटा के स्वर्ग को लेकर आना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसके आगे तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना भी कुछ नहीं, इतना बड़ा काम है। और इतना बड़ा काम आप करना चाहते हैं तो आपको बड़ी चिंता पकड़ेगी, मगर आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे शांति चाहिए, आप ये कहेंगे कि मैं अशांत हूँ तो अशांत हूँ, इस बात को स्वीकार करेंगे। मैं बुरा हूँ तो बुरा हूँ, गलत हूँ तो गलत हूँ, इस फैक्ट को स्वीकारना है। तो फिर चिंता किस बात की? क्योंकि चिंता तभी पैदा होती थी जब आपके मन में कुछ बदलने का इरादा हो, कुछ बचने का इरादा हो, तो आपको चिंता होती थी। मगर आप अशांति को स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसा है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपके भीतर कुछ बदलने की वृत्ति वहाँ पर बची नहीं। कुछ बदलने की वृत्ति बची नहीं तो फिर चिंता भी वहाँ नहीं बचेगी, क्योंकि किस बात की चिंता? इसी बात की चिंता थी कि आपको बदलना है तो कैसे बदलूँ, ये चिंता थी। और आप अब राजी हो गए, आपको बदलना नहीं, जैसा है आप है। तो बदलना बचा नहीं, कुछ कृत्य बचा नहीं आपके भीतर, और चिंता भी बची नहीं।